हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि अनिरुद्ध को मालूम चल जाता है कि बोंदिता ही वैजयंती है और वैजयंती ही बोंदिता है। इस बात का खुलासा सभी घर वालों के सामने हो जाता है और अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के अंदर दाखिल वैजयंती अपने घर को पूरी तरह से निहारती हैं और जब वो अनिरुद्ध के कमरे के पास पहुँचती हैं तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और अनिरुद्ध के उस कमरे को वो जब खोल कर देखती हैं तो उन्हें याद आता है अपना वो बचपन और सखा बाबू यानी कि अनिरुद्ध के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल, जहां पर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो उस कमरे को घंटों तक देखती रहती हैं। घर के अंदर वो पहुंचने के बाद मंदिर में पूजा भी करती हैं, वहीं अनिरुद्ध उन्हें पढ़ाते भी हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में अभी आप यही देखेंगे कि किस तरह से अनिरुद्ध उन्हें टॉलरेट कर रहे हैं। अनिरुद्ध को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन वैजयंती उनसे वर्णमाला सीख रही हैं। वहीं अनिरुद्ध उन्हें पढ़ाने के लिए मना भी कर देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध फिर मान जाते हैं और वो वैजयंती को आ से ज्ञा तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर बोंदिता का पूरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध में होता है और वो अनिरुद्ध से कई सारे क्वेश्चंस करती रहती हैं। अनिरुद्ध से वो पूछती हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की, जिससे इरिटेट होकर अनिरुद्ध उनसे गुस्सा होकर चले जाते हैं। लेकिन वो इस दौरान घर का मुआयना करते हुए दिखाई देती हैं। अनिरुद्ध उन्हें खींचकर बोंदिता यानी कि उन्हीं के कमरे से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब आने वाले एपिसोड में जैसे कि घर वालों को पता चल ही चुका है कि बोंदिता ही वैजयंती है, तो अब ऐसे में किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं सभी लोग और क्या होगा शो के अंदर, ये तो आपको अगला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।